हेलो एंड वेलकम बैक आप सभी लोगों का फिर से एक बार आपके अपने चैनल में जिसका नाम है टेक्नो फ्रीक और आप सभी लोगों का फिर से एक बार स्वागत है सोनी वेगास के नए ट्यूटोरियल में। तो दोस्तों आज हम सीखने वाले हैं कि कैसे हम अपने वीडियोस में स्लाइड शो ऐड कर सकते हैं, मतलब ऐसे ट्रांजेक्शन ऐड कर सकते हैं। जैसे कि आपने प्रेजेंटेशन में देखा होगा कि कैसे वो स्लाइड शो करके आपको इन्फॉर्मेशन देते हैं, वैसे ही हम अपने वीडियोस में कैसे स्लाइड शो दिखा सकते हैं। तो काफ़ी इजी ट्यूटोरियल है ये, आप मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझा दूंगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं बिना किसी देरी के साथ, लेट्स गेट स्टार्ट। तो सबसे पहले हम जाएंगे सोनी वेगास के सॉफ्टवेयर में, इसे मैं ओपन कर लेता हूँ। काफ़ी सिंपल सा ट्यूटोरियल है, आपको ये जल्दी से सीख जाओगे आप। तो यहाँ पर मैं जा रहा हूँ, यहाँ पर एक मैं रेंडम सी फाइल यहाँ पर इंपोर्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पर मैं ओपन करके एक सिंपल सी फाइल यहाँ पर देख सकते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा मैं कट कर देता हूँ, काफ़ी ज़्यादा लंबी है फाइल। तो ठीक है, तो यहाँ पर आपको सबसे पहले जहाँ पर आपको स्लाइड ऐड करनी है, मतलब स्लाइड शो दिखाना है, वहाँ पर आप ये कर्सर लेके वहाँ पर आप एक शॉर्टकट की यस दबा सकते हो, जिससे आपकी क्लिप स्प्लिट हो जाएगी। तो यहाँ पर मैंने यहाँ पर स्प्लिट कर दिए, देखिए आप यहाँ पर दो भागों में बट गई है। उसके बाद आपको जाना है ट्रांजेक्शन में। ट्रांजेक्शन में जाने के बाद आपको यहाँ पर कई सारे यहाँ पर ऑप्शन दिख जाएंगे, जिससे आप अपने स्लाइड में ऐड कर सकते हैं। आपको सिंपली वहाँ उस पर क्लिक करके आपको वो इफ़ेक्ट ट्रैक कर देना है अपनी क्लिप पर, और आपकी जो एक एंडिंग के स्टार्टिंग के जो पॉइंट है वहाँ पर आपको स्टार्टिंग का और एंडिंग का पॉइंट के बीच में यह यहाँ पर आपको ये ड्रैग कर देना है। ड्रैग करने के बाद आपको एक पॉपअप खुल जाएगा। पॉपअप में आपको कुछ भी नहीं करना, अगर आपको कुछ ज़्यादा समझ में आता है तो यहाँ पर आप यहाँ पर इफ़ेक्ट दे सकते हैं, जैसे डिवीजन, एक्स्ट्रा स्पीड या स्टेज, यहाँ पर कई सारे ऑप्शन दिए गए। तो यहाँ पर मैं आपको सिर्फ डिसेंस और सिंपल तरीका आपको बता रहा हूँ, यहाँ पर आप कई सारे ऑप्शन यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं दिखा रहा हूँ के बाद ये थोड़ा सा प्रीव्यू ऑप्शन ठीक कर देता हूँ। यहाँ पर मैं प्ले करके दिखाऊँगा ये कैसे वर्क करता है। देखिए आप यहाँ पर पूरी जो स्लाइड है यहाँ पर चेंज हो गई है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये 3D में है। तो यहाँ पर क्लिक करके आपको ये जो मार्क देगा उसको आप अगर आगे ड्रैग करोगे तो यहाँ पर उतनी ये स्लो क्लिप आपको दिखेगी, और जितना आप पीछे लोगे उतनी फास्ट। यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ डेमो, तो ये स्लो में, तो देखिए ये काफ़ी स्लो में होगा। और जैसे आप इसे पास में करोगे उतना ही ये फास्ट होगा, देखिए काफ़ी इजी सा है ये। इसे आप कोई भी इफेक्ट, यहाँ पर कई सारे ढेर सारे यहाँ पर इफेक्ट दिए गए ट्रांजेक्शन के, आप इसमें से कोई भी चुन सकते हैं और अपने जो स्लाइड है वो जो स्प्लिट में है वहाँ पर आप इसे ऐड कर सकते हो। तो देखिए आपको सिर्फ एक स्लाइड लेनी है और इसे ड्रैग कर देना है, यहाँ पर ड्रैग करने के बाद आपको अपने आप ही दिख जाएगा। तो ये कुछ ज़्यादा दिख नहीं रहा, हम दूसरे ऐड करेंगे। पर आप कई सारे यहाँ पर ट्रांजेक्शन यूज़ कर सकते हैं, यहाँ पर नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन दिए गए हैं। तो यहाँ पर देखिए आप, और हम थोड़ा सा इसे स्लो कर देंगे, तो यहाँ पर देख सकते हैं आप स्लो होने के बाद ये कैसा दिखता है। तो देखिए काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर अट्रैक्टिव दिख रहा है ये, फुल 3D में यहाँ पर आपको ये इफ़ेक्ट मिल जाता है, और वो भी काफ़ी आसान तरीके से। तो यहाँ पर आप नॉर्मल वीडियो में भी ये ट्रांजिशन ऐड करके उसे काफ़ी परफेक्ट और इम्प्रेसिव बना सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। मैं आपसे मिलूँगा अगली बार अगले नए किसी टॉपिक के साथ, तब तक के लिए